बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेट नंबर 4 आपका एमसीक्यू जो फर्स्ट सेम एग्जाम है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को देखिए और उससे फायदा उठाइए। मेरा मोटिव इस वीडियो को केवल बनाना ही नहीं, ये है कि जो बच्चे मान लीजिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपका ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑफलाइन क्लासेस जो है नहीं कर पाते, स्कूल बंद है, ऐसे बच्चे भी मेरे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। इसीलिए मैं हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी साथ साथ में बताता हूँ और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप एग्जाम का समय बहुत कम है और बहुत कम समय में यही सही समय है कि आप तैयारी के लिए कमर कस ले और आपको इससे हेल्प मिलेगा, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, इसमें जैसे बच्चा कंफ्यूज कहा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, उसका मैक्सिमम पावर डिग्री जो है वेरिएबल का कितना, इक्वेशन का 2 होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें डिग्री 2 है और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को भी पूरा कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये है आपका क्या, x प्लस 5/x इज इक्वल टू 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये देखिए यहां पर सॉल्यूशन इसका x प्लस 5/x इज इक्वल टू 2, एलसीएम लेंगे यहां क्या होगा, x ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, 2x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये हो गया माइनस टू एक्स और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी को देखिए, यहां पर जैसे ही आप एलसीएम एक्स लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ये जो है पावर 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ का एक एक्स जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये पावर 3 कर देगा, जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सी अब्सेंट है, सी अब्सेंट होने सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ -3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप का सम आपने बनाया है, -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब है कि अगर x के जगह पे -3 पुट करें तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। x के जगह हम -3 पुट करते हैं, x के जगह अगर हम -3 पुट करें तो ये देखिए यहां पर कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस, अब देखिए के एक्स का वैल्यू -3 है तो ये टर्म प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -3 के माइनस का 24 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 -15 इज इक्वल टू 3k को उधर ले जाइए, हाँ 3k, तो 3 से ये कट जाएगा माइनस के इक्वल टू -5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जो है पहले ऊपर में स्पेस थोड़ा बना ले कैलकुलेशन के लिए, हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3।
अब आपके सामने है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन x का वैल्यू निकालना है। तो इसको 2x स्क्वायर प्लस का 5x और 12 को इधर लाइए माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से अगर करना चाहे तो 12 2 जा 24 कैन बी रिटन एज 8 × 3 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। चलिए ये हो गया 2x स्क्वायर, समझ रहे हो ना मित? हाँ। प्लस का 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया कितना, 2x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया x प्लस 4 प्लस का 4 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये बचा x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो गया x प्लस 4 और ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस 4 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा देखते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या, 3, x इज इक्वल टू 3/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10ax² - 6x + 15ax - 9 = 0 एंड कंडीशन एक और दिया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। खैर वो तो कोई बात नहीं है, a 0 हो जाने से ये टर्म ही नहीं होगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो वो जो है कंडीशन को अभी ध्यान नहीं देना, यहां पर आना। इसको अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये होगा 10ax² - 6x + 15ax - 9 = 0। अब देखो बेटा यहां पर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। आप टर्म्स को अगर अरेंज करें तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए 10ax² ये हो गया प्लस का 15ax - 6x - 9 = 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में आपको कॉमन मिल रहा है, कितना कॉमन ले सकते हैं आप, 5ax, 5a भी है a ले लिया और x भी है x ले लिया, तो यहां बचा क्या 2x बचा केवल, है ना। प्लस यहां बच गया 3 और ax तो ले लिया है कॉमन, तो केवल क्या बचा 3। अब यहां पर देखिए इस दोनों टर्म में अगर हम माइनस 3 को कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 2x और ये प्लस का 3 = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म के जैसा है। अब देखिए अगर हम 2x + 3 को कॉमन ले लिया तो यहां बचा 5ax - 3 = 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 2x + 3 = 0, तो 2x = -3, x = -3/2। अगर ऑप्शन देखें तो दोनों ऑप्शन निकालना पड़ेगा, एक ऑप्शन से नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो 5ax - 3 = 0, 5ax = 3, सो x = 3/5a। अब देखिए 3/5a और है दूसरा -3/2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, x² + 4kx + k²
माइनस के प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका बोल रहा हैज इक्वल रूट्स, यानी हैज इक्वल रूट का अगर नेचर दिया हुआ है तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है कि रूट का नेचर, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट को आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो d इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर निकालेंगे बी स्क्वायर, बी के जगह पे है क्या 4k आएगा, तो 4k का क्या होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे क्या है 1 है, a के जगह पे 1 इंटू सी के जगह पे ये इंटायर टर्म है, दैट इज k स्क्वायर माइनस k प्लस का 2 इज इक्वल टू ये जीरो। अभी जीरो नहीं दे रहे, पहले d को हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए कितना हुआ 16 k स्क्वायर माइनस, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू 4 के स्क्वायर होगा, यस सर, माइनस, और ये माइनस साइन के साथ ब्रैकेट तोड़ेंगे है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 के होगा कि नहीं, हाँ, और ये हो जाएगा माइनस का 8 होगा, हाँ। अब बोलता है इक्वल रूट्स है, इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए 16 के स्क्वायर लाइक टर्म है माइनस 4 के स्क्वायर, दैट इज व्हाट 12 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कॉमन आएगा क्या इसमें, हाँ। दिख रहा है आपको क्या 4 अगर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके 0/4 कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ अगर 4 कॉमन लेते हैं तो ये बचता है 3k स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ। और प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा k और माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको मिडिल टर्म से तोड़े तो 3 × 2 = 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा, हाँ। तो ये हो गया कितना 3k स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3k नहीं माइनस का 2k माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दिस इंप्लाइज इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 तो कॉमन आएगा, 3k कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्या k प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा k प्लस का 1, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 दोनों में है, तो k प्लस 1 यहाँ बचा तब क्या 3k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो k इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 एक, हाँ। और दूसरा आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, k इज इक्वल टू माइनस 1 और पॉजिटिव में 2/3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये देखिए पॉजिटिव में 2/3 और k एक का k का वैल्यू माइनस 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Thank you for watching my videos. Thank you very much.